गुमला में रिश्ते को शर्मसार करने की घटना प्रकाश में आई है। कलयुगी माँ और कलयुगी पिता ने अपनी 14 वर्षीय नेत्रहीन बेटी को घर से निकाल दिया है। सरकार एक तरफ गांव और शहर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है, साथ ही माता और पिता को बेटी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन माता और पिता की अपने बच्चों के प्रति बेरुखी की यह तस्वीर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के दावे को खोखले साबित कर रही है। और बहुत बहुत लड़की कर अपना माय मार पीट करे ना, और बहुत लड़की के सतोली माय मन भी पीटे जानली। तो के बाबा भी मारे ला कि खाली माय भर मारे ना? दियो जान हमके ढेकेल के कूदा है और कहे ना कि इस घर में तोर कोनो हक ना खे तो के हम दुगो रोटियो नहीं देत, और हमके कहे ना कि अपन से हेर के खा, तोर बाप कर धैर्य जे हम डेली हेर हेर के देव भात कह के कहे ना, बोले हमारा एक कान अपने नहीं दिसे रहा, हम कान यार हेर के खाप कहूँ तो कौन जो चूल्हा है चेरी है हले हल मना अपन से हेर के खाए कहे ना, और नहीं हेर के खोला हल मारा है ना, कभी कभी तो हाथों से हल्ला पड़ा है ना। और तोर घर कहाँ है? घर लाल पड़ा रही है। का नाम हो लग तोर? लीलावती। हाँ कहाँ पड़ी सला? गुमला सिलम। गुमला सिलम में तो एने तो बेड़ाए की जगह आ गेले। बेड़ाए के का के आ वो मन कूदा है कहिला से। ओ मार के भगाए है मन। हां ठीक। तो माय बाप का नाम है के? सुस्ती देवी और पापा के नाम पांडव शर्मा जी। आज खबर में न्यूज छपा है, एक दृष्टिबाधित बच्ची है जिसको उसके माता पिता के द्वारा घर से निकाला गया है, ऐसा प्रकाशित हुआ है। तो जिसमें अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत है, इसलिए कि एक तो बच्ची है और दूसरी बात है वो दृष्टिबाधित है, वो स्वयं दूसरे के सहारा की जरूरत, एक दूसरे के सहारा की ज़रूरत है उसको। ऐसी परिस्थिति में अगर उसके माँ बाप के द्वारा अगर उसको निकाला गया है या प्रताड़ित किया जा रहा है तो एक तरह से कानूनन दृष्टिकोण से तो वो अपराध हैं ही, ये नैतिकता दृष्टिकोण से भी ये भारी निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दृष्टि बाधित बच्ची वो कहाँ जाएगी, सिर्फ अपने माँ बाप पर ही आश्रित रहेगी। पता चला है कि वो बच्ची मूक बधिर विद्यालय में सिलम में पढ़ती भी थी, लेकिन अभी कोरोना के कारण वो स्कूल बंद है। ऐसी परिस्थिति में उसकी माता पिता को चाहिए कि उस बच्ची को अच्छे से रखें और किसी तरह की प्रताड़ित न करें, क्योंकि अगर उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो कानूनन अपराध होगा और उनको उसके लिए दिक्कत हो सकता है। उसको जेजे के अंतर्गत अगर प्रताड़ित किया जाता है तो जेजे के अंतर्गत भी और भी धाराओं के अनुसार उसको जो भी प्रताड़ित करता है चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसको सजा का प्रावधान है। अभी यही अपील हम करेंगे कि उसके माँ बाप उसको बच्ची को अच्छे से रखें, वो खुद ही एक ऐसी बच्ची है जिसको कि माँ बाप की आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है, माँ बाप की आवश्यकता तो सभी बच्चों को होती है, लेकिन चूँकि वो एक दृष्टिबाधित बच्ची है इसलिए उसको माँ बाप की ज़्यादा हो सकता है, माँ बाप उसे स्नेह दें, प्यार दें और अच्छे से रखें। ये मानवता के लिए भी ये अच्छा है, और मानवता भी यही कहता है कि वो तो दूसरे के कोई बच्चा हो और इस तरह का हो तो दूसरे के लिए भी वो स्नेह के पात्र है, वो तो खुद उसके माता पिता है, वो उसको अच्छे से रखें और उसको जब तक स्कूल नहीं खुलता है, और स्कूल खुले तो फिर पुनः उसको विद्यालय में उसको भेजें। क्या नाम है? मेरा नाम शम्भू सिंह है, मैं पूर्व चेयरमैन CWC।